उत्तराखंड के चार जिलों में 10 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट जारी, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट। केरल के 2 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, 7 जिलों के लिए है ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश के बाद से सड़कों पर मलबा जमा हुआ, जिसके कारण कई मार्ग बंद, 35 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। दरभंगा के पोखराम गांव में बारिश की वजह से नदी पर बना डायवर्जन बह गया, आवागमन पूरी तरह से बाधित। दरभंगा में बारिश का पानी कई जगहों पर भर गया है, एक नाले में बाइक भी गिर गई, बाइक सवार की बाल बाल बची जान। लखीमपुर खीरी में 4 सेकंड में शारदा नदी में समा गया पूरा घर, वीडियो हो रहा है वायरल। संभल में दुकानों और घरों के अंदर घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। बड़वानी में भारी बारिश का कहर, नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गए। उधम सिंह नगर में बारिश ने मचाया तांडव, जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। कौशाम्बी में पीडब्ल्यूडी का गजब का कारनामा, झमाझम बारिश के बीच में बनाई जा रही है सड़क। तिरुवनंतपुरम में INCOIS ने केरल तट पर सैलाब की चेतावनी जारी की, शंगमुगम समुद्र तट से सामने आई है तस्वीर। कोझिकोड में भारी बारिश के बाद से नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ा, लोगों से अलर्ट पर रहने की अपील की गई। गोंडा में भीषण बारिश का तांडव देखने को मिला, नदी के कटाव से 3 घर बह गए। गोंडा में घाघरा नदी और सरयू नदी का लगातार बढ़ रहा है पानी, बाढ़ से प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में बारिश के बाद से सड़कें तालाब में तब्दील हुई, आवाजाही प्रभावित। खरगोन में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। जूनागढ़ के भेसान तहसील में 2 घंटे में 4 इंच तक बारिश हुई, किसानों में खुशी की लहर। अल्मोड़ा में बारिश के कारण नाले उफान पर दिखे, सड़क पर मलबा आ गया। अलवर में लगातार पहाड़ों में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, मैदानी इलाकों में भी हाहाकार। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में फिर से कटान हुआ शुरू, लोगों की बड़ी परेशानी। फतेहाबाद में सावन की पहली बारिश से शहर हुआ पानी पानी, दुकानदार हुए परेशान। बागेश्वर में 6 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश के चलते लोग परेशान। बागेश्वर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी, जिलाधिकारी ने दिया आदेश। बागेश्वर में तूफानी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, सैलाब के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल के ऊना में लगभग 200 लोग भारी बारिश के चलते उफान में फंसे, पुलिस ने रेस्क्यू किया, ऑपरेशन के दौरान लोगों को निकाला गया। मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी का 3 शहरों का दौरा, रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में 7600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, हजारों करोड़ रुपए की ये सौगात। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम, कई योजनाओं का उद्घाटन। वाराणसी के दौरे को लेकर तैयारियां जबरदस्त, पीएम ने ट्वीट भी किया। पीएम मोदी वाराणसी में मणिकर्ण का और हरिश्चंद्र घाट की पुनर्विकास के रखेंगे आधारशिला। मणिकर्ण का घाट के कण कण में भगवान शिव का वास माना जाता है। अपने सांसद के आगमन को लेकर जगमग हुई काशी, काशी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर दीपावली जैसा माहौल। मोदी सर ने मामले में गुजरात हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आने की उम्मीद। सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी, सुबह 11 बजे फैसले की उम्मीद। अगर गुजरात हाईकोर्ट फैसले पर रोक लगाता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से हो सकती है बहाल। बीजेपी उत्तर क्षेत्र के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई प्रमुखों के साथ दिल्ली में मुलाकात।
सुबह 10 बजे वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। एजेंडा 2024 और प्रदेश की राजनीति से संबंध में चर्चा। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक, सभी विधायक और एमएलसी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में मीटिंग, 3 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक। पंजाब में नहीं होगा बीजेपी और अकाली दल में चुनावी गठबंधन, अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि बीएसपी से हमारी साझेदारी। बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई, एक दिन बाद मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय मीटिंग। दिल्ली में शरद गुट की बैठक, अजीत पवार समेत गुट के 11 नेताओं को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास। शरद गुट की बैठक पर अजीत पवार गुट का बयान, बैठक को गैर कानूनी करार दिया। शरद गुट की वर्किंग कमेटी में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत 11 नेताओं को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास, शरद पवार को एक्शन लेने का अधिकार मिला। सीएम शिंदे का बयान कि मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं, मेरे इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुंबई में देर रात तक सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच में मीटिंग, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा। शरद गुट की बैठक से जारी प्रस्ताव में बीजेपी सरकार पर प्रहार, विपक्ष के खिलाफ अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीका इस्तेमाल करने का आरोप। दिल्ली में शरद पवार से मिले राहुल गांधी, एनसीपी में टूट के बाद दोनों की पहली मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के कारोबारी और मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। दिनेश अरोड़ा सीबीआई केस में सरकारी गवाह भी हैं। राजस्थान कांग्रेस में उठापटक को लेकर दिल्ली में बैठक, राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे समेत कांग्रेस राज्य के 29 कांग्रेस नेता इसमें हुए शामिल। दिल्ली की बैठक के बाद बोले सचिन पायलट, मेरी सभी मांगों को पार्टी ने माना, हम साथ मिलकर लड़ेंगे राजस्थान का चुनाव। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने भी यूसीसी का किया विरोध, लोगों से यूसीसी के खिलाफ अपना मत देने की अपील। देशभर के कई सिख समूह यूसीसी पर चर्चा के लिए करेंगे बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग और अधिकारियों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाले पोस्टर्स लगाए, सख्त आपत्ति जताई। विकासनगर में विश्व समुदाय विशेष ने पुलिस चौकी के बाहर धार्मिक नारेबाजी की, पुलिस शांति कायम करने में जुटे हैं। दुर्गापुर में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की गाड़ी रोकने का आरोप, तृणमूल का झंडा थामे, कुछ स्थानीय युवकों ने रोका था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के फरार आरोपी पर प्रशासन का एक्शन, 4,60,00,000 की संपत्ति कुर्क। कानपुर में नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट के बाद से ट्रक पेंडुलम की तरह रेलिंग पर झूलता रहा, नीचे से गुजरते रहे वाहन। ग्वालियर में पुलिस सब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए निकाल रहे हैं सार्वजनिक जुलूस, छात्रा के साथ बदतमीजी करने का था मामला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए अभियान किया शुरू, मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल। बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्यों को किया जा रहा है पूरा। हनुमानगढ़ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को हटाने की रखी मांग। प्रयागराज में पीएचडी दाखिले में धांधली का आरोप, छात्रों ने कुलपति का पुतला जलाया। चारावाड़ में एसीबी ने एएनएम संगीता राठौर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जांच जारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जल्द शुरू करेगा 10 नए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, फिलहाल 7 में होगा प्रवेश। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुलपति डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजफ्फरनगर में मंत्री ने 58 कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश कर उन्हें लड्डू भी खिलाए, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक शिक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, लोगों ने किया जमकर स्वागत। कांवड़ यात्रा के दौरान दिखे भक्त, उत्साह जमकर नजर आया। मंडला में मंडला का मामला सामने आया जहां पर एक युवती के साथ हुआ दुष्कर्म, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस। बैतूल में आदिवासी युवक ने आत्महत्या की, बाघ का शिकार मामले में पूछताछ के लिए एटीआर गए थे। यूपी के बांदा में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। सुपौल में जन्मदिन पर किशोर और एक युवक पर चली गोली, दोनों का चल रहा था इलाज।
ग्वालियर में बच्चियों को पॉर्न दिखाने के मामले में एक युवक को परिजनों ने पीटा, पुलिस ने शुरू की जांच।